तो आज मुझे दोपहर में अपनी ही कटिंग और खुद ही आईब्रो थ्रेडिंग और वैक्सिंग सब करना है, और उससे पहले मैं सबसे पहले सबको खाना वाना खिला दे रही हूँ ताकि मैं फ्री होकर सारे काम कर सकूँ। और अभी जो किचन है वो सब तरफ फैली पड़ी है, मुझे भी सब समेट के रखना है। तो सबसे पहले मैं किचन का काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं जो शुरू करूँगी, सबसे पहले सोच रही कटिंग करूँगी, पर उससे भी पहले मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है, वो ये है कि धनिया मैंने बहुत सारी मंगवा ली थी और उसको कटिंग करने के लिए मतलब धुल के कटिंग करके फिर उसके बाद मैं सुखाऊंगी स्टोर करने के लिए। ये काम मैं फर्स्ट बार कर रही हूँ, देखो कैसे होता है। वैसे सुना तो है कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, मेथी वगैरह तो कर चुके हैं पर मैंने धनिया का भी नहीं करी थी, बट फिर भी सोचा एक बार करके देखते हैं। तो अभी उसको भी करना है, बहुत सारा काम पड़ा है अभी तो फटाफट जाके मैं करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले धनिया का काम, मतलब पहले किचन, फिर धनिया वाला काम, फिर कटिंग वैक्सिंग वगैरह सब चीज़ें होंगी। तो फ्रेंड्स ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है और बनाने होते हैं तो इसलिए भी करती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है, वैक्सिंग करवाना मुझे सबसे बेस्ट लगता है, और नॉर्मली आईब्रो वगैरह भी मैं घर में खुद ही कर लेती हूँ, बट जैसे वेडिंग एनिवर्सरी आती है ना तो तब मैं करती हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल वही टाइम आ गया हो और वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो बहुत अच्छा सा फील होता है। और एक लगता भी है कि हाँ हम उस दिन के लिए कर रहे हैं। तो 11 मार्च को वेडिंग एनिवर्सरी एनिवर्सरी हमारी मिलेगा इन्हें भाई, ये बच्चे लोग ना ये पूरे साल भर लेते ही रहते, तब भी इनको चैन नहीं आता। हमें देना भाई गिफ्ट, तुम नहीं छोटे बच्चों को, नहीं तो क्या वहाँ ही शादी हुई थी, गिफ्ट भी मिलेगा, तुम दोगे हमें गिफ्ट, हमें नहीं पता। आपको क्या मिल जाएगा? जियो वाला फोन से। चुप रहो। अच्छा नहीं पापा का फोन मिल जाएगा? क्यों मिल जाएगा? ना वो पापा का हैंडल पापा के पास है ना, कि पापा क्या देंगे क्या नहीं देंगे, पर तुम तो मुझे गिफ्ट दोगे ना। काम हो गया, तो जल्दी से मिलते हैं। तो मैंने ये ली है हरी धनिया और इसे मैंने बहुत अच्छे से धुल के सुखा लिया है, मतलब बहुत हल्के हल्के हाथों से, मतलब कपड़े से बहुत पोंछ लिया। उसके बाद मैंने इसे कट करके इसको सूखने के लिए रख दिया है, वो भी छांव में। तो अब इसका रिज़ल्ट कैसा होगा मुझे पता नहीं, पर अभी मुझे परी निशु को भी देखना है क्योंकि उसका टेस्ट हो रहा है। हो गया तुम्हारा टेस्ट? नहीं हुआ, फिनिश टेस्ट दे रहे हैं। जल्दी करो, ये सारा निशु ने करा है। हाँ, वो सारा निशु ने करा है। बहुत अच्छा लग रहा है, तो दिखाओ दिखाओ सीधा दिखाओ, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और निशु तुमने अभी तक ये बना पराठा भी फिनिश नहीं किया, कितनी गलत। मैं खा लेती हूँ ना। क्यों, तुम्हें लेना और ले लो, और लेना और मैं तो तुम फटाफट तुम खा लेना। ये तुमने जिप क्यों खोल रखी है? अरे तो फाइनली आज मेरा मन कर रहा है कि जैसे मैंने परी की बाल कटिंग कर रही थी ना, ऐसी मैं भी कर लूँ, क्योंकि इन मतलब मेरी शादी को 14-15 साल हो गए हैं और अभी तक मैंने अपने लाइफ में मतलब इतने टाइम में मैंने, क्योंकि इस शादी से पहले मैंने बाल कभी कटवाए नहीं थे, हल्की फुल्की ट्रिमिंग जो होती थी वो मम्मी से कटवा लेती थी, और जो जैसे काफ़ी छोटी थी तो ब्लेंड कटिंग वगैरह भी मम्मी से ही करवा लेती थी। पर फिर शादी के बाद ना फिर थोड़े से बाल झड़ने लगे, जब परी हुई तो उसके बाद काफ़ी सारे झड़ने लगे थे, तो मैंने फिर कटिंग करा दी। मुझे गुस्सा आने लगा था, मुझे लगता था कब तक यार केयर करोगे, फिर मैंने इतने से कर लिए थे बाल। और पिछली बार लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन से पहले जब पहली बार लगा था लॉकडाउन, कोरोना जब आया था, तो तब मैंने बाहर कटिंग करवाई थी पार्लर में। मतलब 14-15 सालों में मैंने सिर्फ 2 या 3 बार ही बाहर करवाई है, और उसके अलावा मैं खुद ही कटिंग कर लेती हूँ। अब देखो आज का क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो मैंने ये 2 पार्ट में आधे बाल इधर आधे बाल इधर कर लिए हैं, और उसके बाद मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बाहर जाने से बहुत बचती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता बाहर जाना। और तो मैं कटिंग शुरू करने से पहले बालों में अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ, पानी का स्प्रे है ये, बहुत अच्छे से कर ले रही हूँ ताकि कटिंग करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, क्योंकि जब मुझे खुद काटने हैं तो इतना तो सोचना पड़ेगा। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ कटिंग, और 2 भागों में मैंने बालों को मतलब कर दिया है, 20 से मांग करके, और यहाँ पे मैं तिरछे करके बालों को कटिंग करूँगी। तो पहले मैं थोड़ी सी लेयर ना पहले चेक कर लूँगी मैं स्टार्टिंग के बालों से, ताकि पता चल जाए कि हमें लेंथ कितनी रखनी है। और मैंने फिर उसके बाद ना जो कटिंग करी वो तिरछी करके कटिंग करनी शुरू की है, और उसी की तरीके से मेरे को बस नीचे की तरफ जो से स्लोप करके ना मेरे को नीचे की तरफ काटते हुए चले जाना है,
और मेरी कटिंग पूरी ऐसे ही होने वाली है। पता है मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो एक बार आप भी ट्राई करना, अगर आपका मन कर रहा है कटिंग करने का। घर में आप बहुत आसानी से बाल कटिंग कर सकते हो, और आपने देखा कि मैंने जो पहले परी के भी काटे थे बाल, वो भी काफ़ी अच्छे कट गए थे, और अब मैं अपने काट रही हूँ। तो बहुत दिनों से सोच रही थी मैं, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आपने देखा कि मैं वही, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, स्टार्टिंग से पहले आपको नीचे की तरफ ऊपर से छोटे और नीचे की तरफ ना बड़े करते हुए करके कटिंग करने हैं। तो इसी तरीके से मैंने फिर दूसरी साइड भी कटिंग कर ली थी, तो दोनों को लगभग इक्वल करते हुए। और आपने देखा ना नीशू कितने मज़े से आके उठ के खड़ा हो गया और कितने मज़े ले रहा है, मतलब उसे इतना मज़ा आ रहा था। ऊपर से पता है मुँह में हाथ रख के मुझसे कुछ कह रहा था और खूब मज़े ले रहा था, और बाबा कह रहा था कि हमें ना सबसे बोलूँगा कि प्लीज़ लाइक करो शेयर करो। मैंने कहा नहीं नीशू तुम परेशान मत करो यार। फिर ये बाल उठा के देखने लगा, मैंने फिर गुस्सा किया, मैंने कहा भाबा यहाँ से नीशू। फिर उसके बाद तब भी चैन कहाँ पड़ने वाली है, वापस आने के बाद ना नीशू ने फिर से वही कहना शुरू कर दिया था कि देखो कितनी एक्टिंग करी जा रही है, मतलब ये देखो लाइक और शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो। ये ऐसे ही पूरे वीडियो में इसने मुझे बहुत परेशान किया था नीशू ने। और आप देख सकते हो कि मेरी कटिंग भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैंने फिर बाद में देख लिया था कि छोटे मोटे बाल अगर रह गए हो ना तो उन्हें मैं अच्छे से कट कर लूँ। तो आपने देखा कि लगभग इक्वल कट चुके हैं। अब देखिए यही बाल अगर स्ट्रेट कर लिए जाएंगे, स्ट्रेटनिंग कर ली जाएगी ना, तो उनका एक अलग लुक आता है। कर्ल होते हैं बाल तो उनका एक अलग लुक आता है। तो लगभग मेरे बाल जो हैं वो कट चुके हैं, आप देख सकते हैं दोनों साइड के बिल्कुल बराबर ही हो गए हैं। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसे लगी है मेरे बालों की कटिंग। क्यों दीवार से क्यों मारा? क्यों बच्चे ना? अरे मैंने पंची कर दी थी बस। ये यहाँ से मैंने से परी ने अपने भैया को करी पुच्ची और इनका सर दीवार पे लग गया, पता नहीं। हे भगवान, इतने हल्के हैं तो क्या करूं? हां सर, नहीं छू, टच नहीं करो, टच नहीं करो बेटा, गंदी बात। तो फाइनली मेरी कटिंग तो हो चुकी है और अब मैं कर रही हूँ वैक्स। वैक्स भी मैं खुद ही कर लेती हूँ, हाथ पैरों में और अंडरआर्म्स वगैरह में भी मैं खुद ही कर लेती हूँ। और सबसे अच्छा ये लगता है मुझे इसमें कि एक तो अपने आप घर में किसी भी टाइम पे कर लो, और समय की भी बचत हो जाती है, बाहर जाना बच जाता है, और पैसों की भी बचत होती है। सिंपल बात है, वरना ज़रूरत पड़ने पे तो बाहर करवाया ही जा सकता है। तो मुझे लगता है जब मुझे आ रहा है तो मैं फाइनली मैं खुद ही कर लेती हूँ। और दूसरी बात, भले ही वेडिंग एनिवर्सरी में ही मैं ज़्यादातर जैसे ये सारी चीज़ें एक साथ ही कर लेती हूँ, वैसे तो क्या होता है कि कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, बट भले ही हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कोई फंक्शन उसे नहीं करना होता, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं घर ही घर में, बट अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। और एक नई उमंग सी आती है कि हाँ हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये मेरा आज का ब्लॉग मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट करके, अगर आपको पसंद आया तो। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग ले के आ सकूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, एनिवर्सरी वाले ब्लॉग में, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलना, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।